बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह पटना लौटे और पटना में उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि बिहार में जदयू में अभी तानातानी चल रही है आरसीपी सिंह और ललन गुट को लेकर। कैसी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार ललन सिंह की नाराजगी जदयू से चल रही है, ऐसे में भाजपा से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। जदयू कोटे के कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह की नाराजगी जदयू के साथ है। जब वो कल पटना लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से एक साल तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार और जदयू को लेकर के भी कई बड़ी बातें कही थी, आपने कल खबरें भी देखी थी। उसके बाद से जो जदयू के एक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद, देखिए जरा। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामकरण किया गया, लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था MLA, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है, इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो आपने इस बयान को सुना, उन्होंने कहा कि अब जदयू में आरसीपी सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अब पार्टी डिसाइड करेगी। जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर के लगातार जो खबरें चल रही हैं कि आरसीपी सिंह के बीच जदयू के बीच तानातानी बढ़ रही हैं, खबरें ये भी आई और आरोप ये भी लगा कि आरसीपी सिंह के करीबियों को जदयू पार्ट से निष्कासित किया जा रहा है। मामला राज्यसभा को लेकर के था कि राज्यसभा से जदयू कोटे से आरसीपी सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। नहीं भेजे जाने के बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ी और उन्होंने अपना मंत्री पद एक दिन पहले ही छोड़ा, यानी कि एक दिन तक 7 जुलाई तक उनका कार्यकाल था, उन्होंने 6 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनका कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद दिल्ली में आपने तस्वीरें देखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो मुलाकातें की और जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर के खबरें चल रही हैं कि उनकी नज़दीकियाँ बीजेपी से कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं तो बीजेपी में शामिल होंगे, जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा, प्रश्न ये किया गया कि बीजेपी में आप कब शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हम कब शामिल होंगे। बहरहाल जो कार्यकर्ता हैं जदयू के, उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर के भी बड़ी बातें कही। आप देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद सभी दर्शकों का।